सोनू निगम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। कंगना रनौत की तरह ही सोनू भी काफी बेबाक हैं और लोगों के सामने अपनी बातें रखते हैं। लेकिन कई बार अपनी बात रखते रखते सोनू अपनी मर्यादा लांघ जाते हैं। ये सब हम क्यों कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। दरअसल इन दिनों देश में कोरोना से हालात खराब हैं। ऐसे में सेलेब्स लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसा ही सोनू निगम ने भी किया। उन्होंने लोगों की मदद के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया और खुद भी ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेशन के साथ ही सोनू निगम ने 250 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी मदद के तौर पर दिए। ब्लड डोनेट करते वक्त सोनू निगम ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। ये बात लोगों को पसंद नहीं आई और गुस्साए लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। भड़के फैंस ने सोनू की खूब क्लास लगाई। इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने लिखा, आपने अच्छा काम किया लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाएं। एक और यूजर ने लिखा, आपका मास्क कहाँ है। एक और यूजर ने लिखा कि सर ये सब मास्क लगाकर भी हो सकता है। इसी तरह के कमेंट्स कई यूजर्स ने किए। इससे परेशान सोनू निगम ने ट्रोलर्स को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया और खूब खरी खोटी सुनाई। इस दौरान उनकी जुबान से कई अपशब्द भी निकल गए। सोनू ने अपने पोस्ट में लिखा, यहाँ जो लोग आइंस्टाइन बन रहे हैं उनके लिए मुझे उन्हीं की भाषा में जवाब देने दो जिसके ये लोग लायक हैं। इसके बाद उन्होंने कई अपशब्दों का प्रयोग किया। अब सोनू का ये जवाब वायरल हो रहा है। सोनू निगम के इस गुस्से वाले अंदाज को कुछ लोग सही बता रहे हैं तो कुछ लोग उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। उनके इस जवाब पर लगातार लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। सोनू निगम के वर्क फ्रंट की अगर बात करें तो इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री से वो दूर चल रहे हैं। आजकल उनका कोई नया गाना भी नहीं आया है। इससे पहले भी वो कई बार विवादों में घिर चुके हैं। उस वक्त भी विवाद खड़ा हुआ था जब उन्होंने अपने बाल कटवा दिए थे। इसके अलावा अजान को लेकर भी कई बार सोनू विवादित बयान दे चुके हैं। इससे पहले सोनू निगम ने इंडियन आइडल की भी पोल खोलने का दावा किया था। सोनू निगम ने इंडियन आइडल के लिए अपने विवादित बयान पर कहा था कि शो के दौरान सिंगर्स स्टेज पर केवल लिप सिंक करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।